नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, करियर, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आपके सामने किस प्रकार प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ दिवस और एक लकी चार्म की, जिसका पालन करते हुए आप बना सकते हैं नवंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है, तो वो है निरोगी काया। आपके लग्नेश होते हैं बुध महाराज और वर्तमान समय में ये आपके द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, किंतु 6 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत से महानुभाव कहते हैं कि जब लग्नेश पराक्रम भाव में आते हैं तो ये व्यक्ति को स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, किंतु ऐसा नहीं होता। इस स्थान पर आपके लग्नेश का आना आपके अधिक मेहनत को बढ़ाता है, आपका पसीना जरूर से निकलवाएगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, और उस अधिक मेहनत के चलते आपको कहीं ना कहीं थकान महसूस हो सकती है, किंतु स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए बुध महाराज यहाँ खराब नहीं करेंगे। अर्थात इसका फल यही हुआ कि नवंबर का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण के दृष्टि से आपके लिए अर्थात कन्या राशि वाले जातकों के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। दूसरा सुख होता है धन की माया। आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं, द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं और 3 नवंबर को ये आपके लग्न में आकर नीचस्थ हो जाएंगे। धनेश का नीचस्थ होना ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। आपको धन से रुके हुए कार्यों में डिले देखने को मिल सकती है, आपको लगे कि बस अब ये कार्य होने ही वाला है और फिर उसमें किसी प्रकार का डिले देखने को मिले तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, अपने कर्म क्षेत्र को एकाग्र चित्तता से बनाकर रखिएगा। डिले की अवस्था बनेगी किंतु अंत मोमेंट पर आपके धन से संबंधित कार्यों की स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्मेश भी बुद्ध महाराज होते हैं और पराक्रम भाव में 6 नवंबर को ये प्रवेश कर जाएंगे। इसका अर्थार्थ अर्थ क्या हुआ है, तो आपके कर्म के अंदर अधिक मेहनत अवश्य होगी किंतु अच्छी स्थिति क्या है, तो लग्नेश पराक्रम में गए हैं जो कि कर्मेश भी हैं, आपसे मेहनत अधिक करवाएंगे किंतु मेहनत में दृष्टिगत स्वरूप में भाग्य का साथ भी देंगे और साथ में आपके द्वारा की गई मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट देने की बाध्यता भी बुध महाराज लेते हैं। अर्थात कर्म क्षेत्र की स्थितियां अधिक मेहनत जरूर करवाएगी किंतु आपके लिए पक्षकारी सिद्ध होने जा रही है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं और 3 नवंबर को ये नीचस्थ होने जा रहे हैं। इस स्थिति का क्या मतलब हुआ, आपके कर्मेश पराक्रम भाव में चले गए हैं, मेहनत करवाएंगे, रिजल्ट निकाल कर देंगे, भाग्य भरोसे इस महीने आपको नहीं बैठना होता, क्योंकि जब भाग्येश नीचस्थ हो जाते हैं इस स्थिति में भाग्य भरोसे जो व्यक्ति बैठा वो अन्य लोगों को अपने से आगे जाता हुआ देखेगा किंतु खुद नहीं बढ़ पाएगा। आपके कर्म भाव की स्थिति में मेहनत करने पर बुद्ध महाराज बाध्य हैं आपको शुभ फल देने के लिए, किंतु इस महीने की स्थिति में भाग्य भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है। विद्या दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज, 4 नवंबर को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। और मैं आपके पूर्व के कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि शनि महाराज मार्गी होकर जब आपको षष्टम भाव का फल देंगे, ये कंपटीशन में विद्यार्थियों को बहुत अच्छी सफलता देने की बाध्यता रखते हैं। आपके जो कंपटीशन के अंदर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता के श्रेष्ठ आयाम यहाँ पर शनि महाराज के आशीर्वाद से मिलने वाले हैं। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, वर्तमान समय के अंदर ये नीचस्थ अवस्था में चल रहे हैं और 17 नवंबर को ये नीचस्थ अवस्था को छोड़कर पराक्रम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में यदि व्यापारिक यात्राएं आप नवंबर के महीने में प्लानिंग कर रहे हैं, मेरा आपको सजेशन रहेगा 17 नवंबर के बाद की गई यात्राएं आपको यात्रा स्थिति में बहुत अच्छी सफलता देने जा रही है। अगर भौतिक सुखों को प्राप्त करने की यात्रा कर रहे हैं तो भी 17 नवंबर के बाद की गई यात्राएं आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगी। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी
कौन होते हैं? तो देवगुरु बृहस्पति। और पिछले लंबे समय से राहु के साथ में अष्टम भाव में बने हुए हैं, अब ये 30 अक्टूबर को ही राहु से मुक्त हो जाएंगे और आपके लिए अष्टम भाव के अंदर शुद्धिकरण प्राप्त करने जा रहे हैं। थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता आपको अभी भी रहेगी, अन्यथा राहु महाराज यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन में आपके द्वारा की गई गतिविधियां, चाहे वो बिजीनेस हो किंतु आपके पार्टनर को वो ना समझ में आए, इस प्रकार की अवस्था देखने को मिल सकती है। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड छोटे मोटे इशू देखने को मिल सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा बैलेंस करके रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध की गतिविधि आपके लिए नवंबर के महीने में एक अच्छी स्थिति को दर्शा रही है, जब आपके पंचमेश षष्ठम भाव में वक्री से मार्गी होंगे। बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा अपने पार्टनर से, अन्यथा पिछले समय की अपेक्षाकृत प्रेम संबंधों की स्थितियां भी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो हरे रंग का जितना ज्यादा सेवन आप अपने आसपास के वातावरण में, खाने में, पहनने में यूज करते हैं, उतना श्रेष्ठकारी स्थिति का योग आपके लिए बनता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 3 और 6 की स्थिति का योग बनाकर, चाहे वो सिंगल डिजिट में हो चाहे मूलांक के अंदर 3 और 6 आ रहा हो, ये आपके लिए बेहद सुंदर रहने वाला है। शुभ वार की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करना हो नवंबर के महीने में, बुधवार का चयन कर, गुरुवार का चयन कर कोई भी कार्य यदि आप करते हैं, आपको सफलता मिलने की परसेंटेज बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। आइए उस जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर आप बना सकते हैं नवंबर के महीने को यादगार। ओम बुधाय नमः का जाप करना, गणपति अथर्वशीष का पाठ करना या सुनना, या फिर गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, आपके लग्नेश की स्थिति को मजबूत करते हुए दिलाएगा आपको मन चाहा वरदान। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।